हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित के बारे में। आज हम इसकी बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित होता क्या है। चलिए बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित होती क्या है, यानी इसमें क्या होता है। हम प्रत्यावर्ती धारा जनित में प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, किसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे समझने के लिए, तो हम समझते हैं कि कहते हैं कि ऐसी धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा को परिवर्तित करती रहती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं। ऐसी धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा को परिवर्तित करती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अर्थात हम माने, यदि माना कोई तार, ये इसका नाम है ए बी, ये कोई तार है ए बी, इसमें एक निश्चित समय में क्या हो रहा है, पहले धारा इससे ए से बी की ओर जा रही है एक निश्चित समय, और उसी एक निश्चित समय के बाद वह कुछ समय पश्चात धारा बी से ए की ओर आने लगी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे हम सिद्ध भी करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम इसी को सिद्ध भी करेंगे कि आखिर यह क्यों एक निश्चित समय के बाद अपने जो दिशा को है परिवर्तित करती है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ऐसी धारा जो एक निश्चित समय के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित की। तो इसका हम बात करेंगे कि यह कैसे कार्य करता है, अर्थात इससे कैसे हमारी जो धारा है वह हमें प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, तो इसमें हमें सबसे पहले देखें तो इसमें हमारे पास दो चुंबक होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक चुंबक होती है। इसके हमारे नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक अलग अलग दिशा में रख दिया। एक साइड हमने यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया नॉर्थ पोल को, और हमने राइट हैंड साइड रख दिया साउथ पोल को। ठीक है, हमने चुंबक रख दिए। अब आप जानते हैं कि चुंबक रखी है तो आप जानते हैं कि इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ निकलेंगे, अर्थात और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ आप लोग जानते हैं किस दिशा से, आप लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर निकलती, उत्तर से उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, क्या होगी, नॉर्थ पोल से साउथ होगी। इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्शन भी लगा दी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है। तो चलिए अब बात करते हैं यह कार्य कैसे करता है। अब आप लोग जानते हैं कि अब चूंकि अपन लोग किसमें एक प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हम लोगों ने इस कुंडली को ए बी सी डी नाम की इस कुंडली को हमने एक प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो अब प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने से अब क्या होगा, यह कुंडली क्या होगी, घूमने लगेगी। यह कुंडली क्या होगी, घूमने लगेगी। अब यह जैसे ही कुंडली घूमेगी तो वह किससे देगी, अब घूमेगी तो वह कैसे, ए बी दिशा से क्या करेगी, ए जो ए बी है, ए बी क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, और सी डी क्या आएगा, बाहर की ओर आएगा। ए बी क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, सी डी आएगा बाहर की ओर। ए बी अंदर की ओर जाएगा, सी डी बाहर की ओर जाएगा, तो क्या होगा कि जो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा निकल जा रही है वह क्या बनेगी, जैसे ही कुंडली तिरछी होगी तो क्या होगा, जैसे ही कुंडली तिरछी होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएँ वो क्या करेंगी, हल्की हल्की उससे किसके उससे निकलने लगेंगी, कुंडली के अंदर से गुजरने लगेंगी, कुंडली से गुजरने लगेगी चुंबकीय रेखा। अभी अभी क्या है, जब घूम नहीं रही है तो क्या है, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अंदर नहीं गुजर रही। अब जैसे ही कुंडली को हम प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो क्या होगी, कुंडली घूमेगी, कुंडली कैसे घूमेगी, ए बी अंदर की ओर जाएगा, सी डी बाहर की ओर आएगा, तो क्या होगा, जैसे ही कुंडली हमारी तिरछी होगी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उससे गुजरने लगेंगी। और अब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जब उससे गुजरने लगी तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कैसे होगा, जब हम कुंडली को घुमा रहे हैं तो उससे हमारी क्या है, चुंबकीय लगातार हमारी चुंबकीय क्षेत्र की मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या हो रही, परिवर्तित हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा निकलने लगी। तो क्या होगा, उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा। और आप लोग जानते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में परिवर्तन होता है
तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है जो प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। ये क्या है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार हम बात कर रहे हैं। क्या करेंगे, अब चूंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत भाग बल क्या करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा और वही प्रेरित धारा हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में हम प्राप्त होगी। तो चलिए आप देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमने बताया आपको ए बी अंदर की ओर जाएगा, बी सी डी बाहर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा और प्रेरित विद्युत भाग भी उत्पन्न होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। अब बात करते हैं ये हमारी किस दिशा में प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, हम इसको प्रत्यावर्ती धारा क्यों कहेंगे और यह भी सिद्ध करेंगे कि आखिरकार यह जो हमारी है प्रत्यावर्ती धारा है वह एक निश्चित समय के अंतराल के बाद क्या होती है, परिवर्तित क्यों होती है, उसकी दिशा में परिवर्तन क्यों होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अब जैसे ही हमने इस कुंडली को क्या किया, घुमाया, तो कुंडली को घुमा दिया। अब जब कुंडली घूमेगी प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, उससे हमारी क्या होगी, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। चलिए अब बात करते हैं, अब इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। ये हमारी कुंडली है, ये हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि यह हमारी क्या है, उत्तरी ध्रुव है, यह है दक्षिण ध्रुव। अब इसकी बात कर ले, यह एक रिंग है, यह क्या है, एक रिंग है, इसे हम सर्पी वलय कहते हैं। यह क्या है, रिंग है, जो किससे, जो हमारी ए बी वाली जो कोर है, ए बी वाली जो किनारा है उसके जो गई है, कुंडली का जो तार गया उससे जुड़ा हुआ है, क्या एक जे सर्पी वलय। और ये वाला है वो सी डी की तरफ से जो निकला हुआ तार है उससे जो हमारा यह है दूसरा सर्पी वलय जुड़ा हुआ। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि धारा को क्या होता है, इससे पहुंचाता है, इससे सर्कुलेशन, इसमें क्या होती है, कुंडली इसके सहारे घूमती रहती है। अब बात करेंगे और इसकी सहायता से हम ये भी सिद्ध करेंगे अभी कि हमारी क्या प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय के बाद क्या होती, परिवर्तित, अपनी दिशा को परिवर्तित करती रहती है। और यहाँ पर ही हमारे पास बल्ब रखा है, यहाँ पर ही हमारे पास बल्ब लगा हुआ है और ये परिपथ से हमने जुड़ा हुआ है। अभी हमने धारा का कुछ दिखा नहीं है क्योंकि अभी हम समझाएंगे कि धारा की दिशा किस प्रकार होगी, कैसे। अब धारा की दिशा को समझने के लिए हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में हमें क्या करना होता है, एक अंगूठा लेना होता है, अंगूठा की दिशा, अंगूठा लेना होता है, तर्जनी लेनी होती है और हमें लेना होता है मध्यमा लेना होता है, ठीक। और हम जानते हैं कि अंगूठा हमारी क्या होती है, कुंडली की चाल की दिशा को, कुंडली जिस दिशा में चलती घूमती है उस दिशा को दिखाता है। जो अंगूठा है क्या दिखाता है, वो कुंडली की चाल की दिशा को, यानी कुंडली जैसी जिस दिशा में घूम रही होती है उस दिशा को प्रदर्शित करता है। तर्जनी हमारी ये वाली उंगली होती है, तर्जनी क्या करती है, तर्जनी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और मध्यमा हमारी क्या होती है, प्रेरित धारा को बताती है। और यह तीनों आपस में कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, यह तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं, इस प्रकार क्या होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अंगूठा क्या करती है, अंगूठा हमारे क्या करती है, कुंडली की दिशा को दिखाती है। और तर्जनी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और मध्यमा हमारी क्या करती है, मध्यमा हमें प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। और ये तीनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है। और ये तीनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अब ये काम कैसे होगा, धारा की दिशा हमें कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हमारी देखो कुंडली, हमने क्या बताया, कुंडली कैसे घूम रही है, ये भी अंदर की ओर जा रहा है और सी डी क्या आ रहा है, बाहर की ओर, सी डी आ रहा है बाहर की ओर, ए बी अंदर की ओर जा रहा है, सी डी बाहर की ओर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ए बी अंदर की ओर जा रहा है, तो ए बी यानी जो ए बी को पृष्ठ है वो कैसे जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ए बी क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, और सी डी क्या हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज करेंगे एक बार फिर से। जो हमारा अंगूठा होता है वो कुंडली की दिशा को प्रदर्शित करता है, कुंडली मतलब कि जिस दिशा में घूम रही होती है उस दिशा को प्रदर्शित करता है। तर्जनी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और जो हमारी मध्यमा होती है वह क्या करती है,
धरपेट धारक की दिशा को बताती है। और आप लोग यह भी जानते हैं, अभी हमने बताया कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो चलिए, तो अब हमारी क्या है, जो ए बी पृष्ठ है वह क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ए बी पृष्ठ क्या हो रहा है, जो अंदर की ओर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो हमारा अंगूठा है वो क्या होगा, अंदर की ओर होगा। जो हमारा अंगूठा होगा वो अंदर की ओर होगा, ठीक है। और जो हमारी तर्जनी होगी वो एक चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने अंगूठे को अंदर की ओर रखा, तर्जनी को हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप लोग देख रहे होंगे कि क्या उसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो हमने अंगूठे को अंदर की ओर, तर्जनी को हमने वहाँ रखा, और जो हमारा मध्यमा है वह क्या कर रही है, प्रेरित धारा की दिशा को, यानी प्रेरित धारा के साइड को अंदर की और नीचे की ओर है। तो क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा होगी ये, प्रेरित धारा की दिशा हमारी क्या बता रही है, ये बता रही है। तो यहाँ पर हमारे ए बी पृष्ठ मिला, यहाँ धारा प्रदर्शित हो रही। अब हम यहाँ पर सी डी की बात करते हैं। सी डी हम लोग देख रहे हैं कि सी डी क्या है, सी डी की बात करें तो सी डी क्या हो रहा है, बाहर की ओर, यानी सी डी पृष्ठ क्या हो रहा है, बाहर की ओर। ए बी अंदर की ओर जा रहा है, सी डी बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। सी डी बाहर की ओर आ रहा है, तो सी डी में हम क्या करेंगे, अब बाहर क्या आ रहा हो, तो जो हमारे अंगूठा होगा वह बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर होगा क्या होगा, बाहर की ओर। और तर्जनी होगी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर दी। और हमारी मध्यमा होगी वह क्या करेगी, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर दी। तो ये हमारी प्रेरित, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो हमारा अंगूठा है वह क्या दिखा रहा है, जो हमारी कुंडली है वह बाहर की ओर आ रही है, और ये हमारी मध्यमा क्या है, धारा को दिशा। तो यहाँ से क्या होगी, ये इस प्रकार जाएगी, ठीक ठीक है। अब देखो, अब धारा क्या हुई, यहाँ से होती हुई ऐसी, यहाँ से होती हुई ऐसी। अब देखो बात करते हैं, अब यहाँ से जाएगी, यहाँ पर आएगी ये धारा। अब ये बलय लगाओ इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमारी क्या हुई, कुंडली को घुमाने में मदद करती है। अब ये क्या होता है, ये हमारी होती कार्बन की ब्रश, हम कह सकते हैं इसे कार्बन ब्रश, इसे हम कह सकते हैं कार्बन ब्रश। ये क्या होते हैं, हमारे कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक। तो यहाँ करेंगे, अब इससे हम एक तार जोड़ते हैं, तो ये हमारी क्या होती, इससे घूमते हुए यहाँ पर आएगी, ये धारा ऐसी घूमी, फिर ऐसी आई, फिर यहाँ पर होती हुई। यहाँ पर एक्स बिंदु डाल देते हैं, यहाँ पर वाई बिंदु डाल देते हैं, ये अभी हम बताते हैं क्यों डाले हमने, ठीक। अब बात करें, अब देखते हैं, अब ये धारा ऐसी जाती हुई, इस पल्लव से होती हुई जाती हुई यहाँ से निकलेगी, यहाँ से होती हुई जाएगी, ठीक। फिर यहाँ से निकलती हुई वो यहाँ से होती हुई चली जाएगी। तो इस प्रकार हमारी धारा क्या होगी, अपने रन करती रहेगी, यानी ए बी पृष्ठ होती हुई यहाँ से पूरा चक्कर लगाती हुई उसने सी डी पृष्ठ को, फिर ऐसी घूमती हुई हमारी प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रकार हमने प्राप्त किया कि हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा है इस प्रकार उत्पन्न होती है, इस प्रकार हम प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करते हैं। और ये हमारे जो बलय होते हैं वे क्या होते हैं, हम कहते हैं सर्पी बलय। क्या होते हैं, सर्पी बलय। इन बलयों को, यानी दोनों बलयों को हम क्या कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट रिंग, और इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्पी बलय, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे क्या है, जो बलप है हमारे पास जल जाता है, और इस प्रकार हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। तो अभी तो हमने बात की कि प्रत्यावर्ती धारा जनित में से प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है, ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की जो हमने परिभाषा बताई थी कि ऐसी धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन करती रहती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो एक समय निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होती है, धारा परिवर्तित की दिशा परिवर्तित होती है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि वह कैसे होती है। तो अभी तो हमने पूरी एक चक्कर के लिए बताया था, हमने चित्र बनाया वो क्या है, पूरी एक चक्कर, यानी जो एक कुंडली है वह क्या हो रही है, ए बी से पूरे ए बी नीचे को जा रहा है, पूरा एक चक्कर घूमती हुई पुनः उसी जगह आ रही है, इसके लिए हमने बताया। अब हम बात करेंगे आधे चक्कर के लिए, आधे चक्कर यानी यही कुंडली क्या होगी, आधी घूमेगी, यानी जैसे ए बी अंदर गया, ए बी अंदर जाएगा, सी डी यहाँ आएगा, और सी डी इस यानी ए बी के स्थान पर सी डी आ जाएगा, और सी डी के स्थान पर ए बी आ जाएगा। तब हम देखेंगे कि आधे चक्कर के बाद क्या होगा, हमारे जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें क्या परिवर्तन आता है, वह दिशा में परिवर्तन आता है। तो हम देखेंगे इसमें दिशा में परिवर्तन आएगा, कैसे आएगा बात कर लेते हैं, कैसे आएगा उसकी बात करते हैं, ठीक।